लगभग दो साल से अपने आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनने का इंतजार कर रहे परिवार के लिए बुधवार का सूर्य एक साथ तीन खुशियां लेकर उदय हुआ। अम्बाला में पंजाब की रहने वाली एक महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया है, जिसके बाद महिला के परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई है। महिला के पति गुरजन सिंह ने बताया कि दो साल पहले उनकी शादी हुई थी और अब उनकी पत्नी ने तीन बच्चों को एक साथ जन्म दिया है, जिसमें दो लड़कियां और एक लड़का पैदा हुआ है। महिला के पति ने बताया कि उनका परिवार इससे बेहद खुश है। तीन बच्चे हुए हैं, जिनमें एक लड़का है, दो लड़कियां हैं, और कल सुबह 10 बजे हुए हैं और अभी बेटर हैं, थोड़ा ठीक है, तो काफी खुशी है। चलो ठीक है, बढ़िया हो गया सब। बता दें कि महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से सजग है और एहतियात के तौर पर बच्चों को SNCU वार्ड में रखा गया है, जहां इन बच्चों की पूरी देखभाल की जा रही है। अम्बाला के PMO ने बताया कि जन्म के बाद दो लड़कियां बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन लड़का बहुत कमजोर था, लेकिन अब उसकी हालत भी बिल्कुल स्थिर है और बच्चों को जन्म देने वाली माँ भी बिल्कुल तरीके से ठीक है। उसमें तीन बच्चे कल हुए हैं हमारे यहाँ पे, और पेशेंट हमारी पंजाब से आई थी, पटियाला डिस्ट्रिक्ट था, और सिजेरियन हुआ था उसका। तीन बच्चे थे, एक मेल है उसमें और दो फीमेल्स, और तीनों स्टेबल हैं अब तो, और दोनों फीमेल्स बिल्कुल ठीक हैं। मेल जो बच्चा था उसमें थोड़ा सा पहले डिस्ट्रेस लग रहा था, वो भी सेटल्ड है, उनकी ट्यूब फीडिंग हमने शुरू कर दी है, और मदर भी बिल्कुल ठीक है, तो होपफुली एवरीथिंग शुड बी ओके। तीन बच्चों के जन्म से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। फिलहाल तीनों बच्चों को SNCU वार्ड में रखा गया है और तीनों स्वस्थ भी हैं।